तू सोच है मुझे आगे मैं काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। हाय हाय अल्लाह ने सी यू ब्रो। वो काम कर लूं फिर बैठते हैं कुछ स्टोरी सुनाता हूं आपको बैठ के। कैमरा ही ना गिर जाए मेरा। अच्छा जी, जो काम में करवाने आया था फीस सबमिट कर ली है। शिट, फीस डाल दूँ अपने जेब में। मुश्ताक साहब को भी बताना होता ना, जाइएगा मत, आपको मैंने एक स्टोरी सुनानी है, बड़ी डीप स्टोरी है। अच्छा, साथ साथ कैमरा भी उठा लेते हैं, साथ साथ स्टोरी सुनाऊंगा। 2021 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। उस वक्त मैं ज़रा कॉमेडियन वीडियोस बना रहा था और थोड़ी कॉमेडी सी थी उसमें, फिर साथ साथ मैंने व्लॉग्स भी स्टार्ट कर दिए। तो उसमें क्या हुआ था कि वीडियोस बना ही रहा था मैं, साथ साथ लगा हुआ था, तो मैं इसी तरह अपना कैमरा पकड़ के, मेरे पास वो वीडियो नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो वीडियो बताता, पूरी सीन की वीडियो है वो। मैं इसी तरह अपना कैमरा पकड़ के निकल रहा था, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। हाँ जी, तो जनाब कैमरा पकड़ के इसी तरह मैं निकल रहा था घर से बाहर। मैंने नीचे अपने पाँव पे क्रॉक्स पहने हुए थे जो बड़े स्लिपरी होते हैं, रबड़ के शूज़ होते हैं, चप्पल टाइप से होते हैं क्रॉक्स। तो उससे मैं स्लिप हुआ सीढ़ियों से, क्योंकि 2-3 स्टेप्स थे नीचे रोड पे, तो मैं इससे स्लिप हुआ और मेरे राइट हैंड में कैमरा था। उसको बचाते वक्त, उसको बचाने के लिए ना फ़ोन था, एक्चुअली कैमरा नहीं फ़ोन था, तो उसको बचाने के लिए मैंने अपना हाथ को ऐसे ऊपर ही रखा और मैं इस हाथ के बल पे नीचे गिर गया। मैं हाथ के जोर पे नीचे गिरा और मेरी हाथ यहाँ से फ्रैक्चर हो गया था। मेरा हाथ यहाँ से फ्रैक्चर हुआ, उस दिन मैं हॉस्पिटल गया। मैंने हॉस्पिटल से जाके अपना एक्सरे करवाया और वो मेरा हाथ उस वक्त ना काफ़ी स्वेल हो गया था, इतना बड़ा एक बॉल सा बन गया था हाथ। मैं हाथ ले के गया हॉस्पिटल, एक्सरे करवाया, डॉक्टर ने बुलाया, डॉक्टर ने बताया कि आपका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। मैंने उनको कहा ये तो मुझे पता है फ्रैक्चर हो चुका है, इतना बड़ा बॉल जो बना हुआ, अब आगे क्या करना है वो आप बताएं। तो यहाँ से जो साथ जो सिटी है उसके हॉस्पिटल में मैं गया था, तो उन्हें बोला कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कैपिटल जाना पड़ेगा वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे आपका प्लास्टर वगैरह होगा। तो टाइम इतना गुजर चुका था उस वक्त, मतलब शाम हो चुकी थी, तो उस वक्त बसेस नहीं चलती शाम को। कुछ टाइम ऐसा होता है कि बसेस चलना बंद हो जाती हैं शाम को 5-6 बजे, फिर जा तो मैं सकता था वहाँ पे, वापस आने की बस मुझे ना मिलती, तो मैं फंस गया था वहाँ पे। इसलिए मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा कम से कम मुझे पेन किलर लगा दो ताकि मैं कल सुबह सवेरे यहाँ से निकलूँ। तो उन्हें क्या किया, मुझे एक इंजेक्शन लगाया पेन किलर का, और नॉर्मल पट्टी होती है ना, पट्टी वो जो रैप वाली पट्टी होती है जो मतलब किसी जख्म पे लगाते हैं, रैप करते हैं इस वक्त, तो वो उन्होंने नॉर्मल पट्टी सी लगा के यहाँ पे मेरे गर्दन से घेरा लगा के मेरा हाथ लटका दिया यहाँ पे इस तरह। कोई फर्स्ट एड नहीं किया उन्होंने, कुछ कर लो, कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने वो पट्टी लगा के मेरा बाजू लटका दिया, मुझे पेन किलर लगाया और मैं आ गया घर वापस। मैं घर वापस आया, अगले दिन मैं गया था, अच्छा मैंने घर आके वापस क्या किया था, टिश्यू पेपर रोल होता है ना टॉयलेट टिश्यू पेपर, और टॉयलेट रोल करने से मैंने गत्ता निकाला और उस गत्ते को निकाल के मैंने अपने हाथ को स्ट्रेट किया, खींच के स्ट्रेट किया और उस गत्ते को ऐसे लगा के और उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा लपेट दिया सही जोर का, ताकि कम से कम कल तक मेरा हाथ स्ट्रेट रहे। दर्द बहुत हो रही थी, उनका जो पेन किलर था किसी काम नहीं आ रहा था मेरे, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मेरे पास कुछ टैबलेट्स पड़ी थी पेन की, न्यूब्रोल फोर्ड, मैंने वो 2 गोलियां ले ली, उससे जाके कुछ आराम आया। पाकिस्तान से लेके आया था यहाँ पे। जनाब ये सारी स्टोरी थी, मैं एक फ़ोटो लगाऊंगा, मैं आपको शायद स्क्रीन पे अभी नज़र आ रही हो, ये फ़ोटो वो थी कि
मैं अगले दिन गया फिर हॉस्पिटल, उसका प्लास्टर हुआ, वो सारा कुछ हुआ। फोटो मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन पे, मैं पाकिस्तान जा रहा था एयरपोर्ट में, फोटो ली थी, उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया, वीडियो शूडियो वाला सीन बंद हो गया वहाँ पे। ठीक, साल गुजर गया भाई। कल इसी तरह, परसों इसी तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेफ्ट उसी कैपिटल सिटी में गए हुए हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मतलब पूरा सुबह से लेके दिन तक हो चुका था, क्योंकि सुबह मैं दोस्तों के साथ गया था लेफ्ट कोशा, कोई शॉपिंग वगैरह करनी थी उन्हें, तो मैंने कहा चलो साथ चलते हैं, कोई मसला नहीं, मैं भी साथ वीडियो वीडियो बना दूँगा। उधर गए हम तो भाई खड़े हुए इस तरह दोस्तों के साथ, अच्छा रात पूरी सोया भी नहीं थे, दोस्तों के साथ खड़ा हूँ, वो चेक वगैरह ले लिया, उसको शूज़ डिसाइड करके दे रहा हूँ, अगर नाशे जी चेक कर, नाशे जी वाला चेक कर। इसी दौरानिया में क्या होता है, मैं फेंट होता हूँ एकदम से, और मैं गिर जाता हूँ जमीन पे, सारी सच्ही कहानियाँ बता रहा हूँ मैं, अपने से कोई नहीं बता रहा, मैं फेंट होता हूँ, मैं ज़मीन पे गिर जाता हूँ, मुझे कुछ फील होता है, उसे एक दो बार पहले भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे कुछ हो रहा है। साथ साथ अपना सीन भी चेंज करते हैं कि ज़रा आपको इंटरेस्टिंग लग जाए, मैं वापस एच के ब्लॉक के छत पर ही हूँ। तो सीन कुछ ऐसा था कि मैं गिर गया नीचे, सो आई एंड अप ओपन माय आईज ऑन द चेयर, और मुझे वो एक लस्सी सी पकड़ पिला रहे थे, यहाँ पे आयरन मिलती है लस्सी सी, वो पिला रहे थे मुझे, तो आंखें खुली मेरी, तो मेरे हाथों में दर्द हो रहा था, बहुत मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा था कि मैंने अपना वो ही हाथ उस तरह पकड़ा हुआ नीचे, उसको पकड़ के बोलूँ कि नाशिद बहुत सख्त दर्द हो रहा है, मुझे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो मुझे कह रहा है कि यार भाई कोई नहीं, चलो गिर गया होगा, तेरा पहले भी फ्रैक्चर हुआ था तो उस पर शायद तुझे दर्द हो रहा हो। मैं कहा ठीक है, ग्लव्स लिए, ये ग्लव्स पहन लिए ऊपर, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा गर्म रहे। जनाब हाथ में दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, उसी इन्हीं हाथों के साथ मैंने जाके बर्गर भी खाया, खाना खाया, घर वापस आए, घर वापस आए तो मैं ग्लव उतारता हूँ अपना, मेरा हाथ स्वेल हुआ सही। अभी अगर आपको मैं बताऊं तो मैंने इस ग्लव के नीचे एक और ग्लव पहना हुआ है, एक काइंड ऑफ जिम ग्लव होता है, और इससे मैंने बताऊं क्या किया हुआ है, मैं आपको बताता हूं। मैंने एक स्टिक लगाई हुई है ऊपर, और इसको मैंने टाइट करके बांधा हुआ है कि मेरी उंगली स्ट्रेट रहे, और इसके ऊपर मैंने एक और ग्लव पहना हुआ है, ये टाइट है, इससे मेरा हाथ मूव नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये स्टिक लगाई हुई है कि मेरी ये उंगली स्टिक स्ट्रेट रहे। इसका भी आपको मैं कहानी सुनाता हूँ क्या हुआ, कि मैं कल वापस गया उसी हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे करीब, यहाँ से करीब जाना उधर हॉस्पिटल जो सबसे करीब है वो भी तकरीबन आधे घंटे के सफ़र में, उधर गया दोबारा एक्सरे करवाया, दोबारा पता चला कि उसी जगह से दोबारा से फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो भी नहीं आई परसों, क्योंकि मैं काफ़ी दर्द में था कल, परसों भी काफ़ी दर्द में मैं गुजारा टाइम, तो वीडियो मैं नहीं बना सका, और कुरान तो मैं पढ़ता रहा हूँ साथ, लेकिन वीडियो बनाना दर्द में था भर प्रो बहुत ज़्यादा, वीडियो नहीं बना सका मैं। तो आज मैं आया हूँ, आज सुबह मुझे जाना था प्लास्टर करवाने इसका, लेकिन रात पूरी मैं दर्द से सो नहीं सका, और फिर मैंने ये सोचा कि यार सुबह जाऊंगा प्लास्टर करवाऊंगा, वापस आके एक ही बार सोऊंगा। अचानक बैठे बैठे आंख लग गई सोफे पे, और मेरी आंख खुली तकरीबन 10-11 बजे, मैंने कहा अब तो वक्त गुजर गया, क्यों आए हो इधर? अस्सलाम वालेकुम। कहीं में मुझे सुकून से नहीं छोड़ोगे? मैं बाम थोड़ा सा एंजॉय करने आए हैं। नहीं, सुकून से छोड़ दिया करो कहीं भी, तुम लोगों से भाग के वहाँ से उड़ता से मैं उठ के इधर आया हूँ, हम सुकून, मैंने कहा चलो अपनी कोई वीडियो ही बना दो, तो सारा कुछ शेयर कर दो तो सुकून भी, फिर इधर आ गए, ये थोड़ा सुकून आपको देगा, आप थोड़ा मुझे दोगे तो सारा मिक्स करके एक दूसरे के साथ बांट लेंगे सारे सुकून, पुरसुकून। 8 बजे ब्रो, अभी ये नहीं लिखूं, तेरी नींद उड़ रहे, मशीन लिखूं तू सोचे मुझे, आगे मैं काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए, हाय हाय अल्लाह ने सी यू। अच्छा तो मैं कहाँ पे था? हाँ बता रहा ये था कि यहाँ पे ऐसे ही है सारा कुछ। चलो एंड करता हूँ यहाँ पे, जाता हूँ घर।
एक हाथ से सफाई कर रहा हूँ दो दिनों से, बर्तन वगैरह धोने बहुत मुश्किल हो गए। जो दोस्त हैं मेरे सुन लो मेरी वीडियो देख लो यार, आ जाओ यार मुझे खाना ही बना के दे दो यार, बर्तन ही धो के दे दो यार, मेरा वॉशरूम साफ करके दे दो यार।